नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन की क्षण, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सफलता की आशा रखे बिना, अभिलाषा किए बिना, उसके लिए दृढ़ प्रयत्न किए बिना की सफलता प्राप्त कर सको। प्रत्यक्ष उचित सफलता के लिए पहले मजबूत दृढ़ आत्मश्रद्धा का होना अनिवार्य है, उसके बिना सफलता कभी मिल नहीं सकती। भगवान के इस नियमबद्ध और श्रेष्ठ व्यवस्था युक्त जगत में देवयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा विचार मत करो कि उसका भाग्य उसे जहां तहां भटकता रहा है और उसे रहस्यमय भाग्य के सामने उसका क्या बस चल सकता है। उसको मन से निकाल देना को प्रयत्न करना चाहिए। किसी तरह के भाग्य से मनुष्य बड़ा है और बाहर की किसी भी शक्ति की अपेक्षा प्रचंड शक्ति उसके भीतर मौजूद है। इस बात को जब तक वह नहीं समझ लेगा तब तक उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता। दूसरों को सुधारने से पहले हमें अपने सुधारने की बात सोचनी चाहिए। दूसरों की दुर्बलता के प्रति एकदम आगर बुला हो उठते से पहले हमें यह भी देखना उचित है कि अपने भीतर कितने दोष दुर्गुण बड़े पड़े हैं। बुराइयों सको दूर करना एक प्रसन्नीय प्रवृत्ति है। अच्छे काम का प्रयोग अपने से ही प्रारंभ करना चाहिए। हम सुधरे, हमारा दृष्टिकोण सुधरे तो दूसरों का सुधार होना कुछ भी कठिन नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्नति कोई उपहार नहीं है जो छत फाड़ कर अन्याय से ही हमारे घर में बरस पड़े। उसके लिए मनुष्य को कठोर प्रयत्न करने पड़ते हैं और एक मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो दूसरों सोचना पड़ता है। गुण, योग्यता और क्षमता ही सफलता का मूल्य है। जिसमें जितनी क्षमता होगी उसे उतना ही लाभ मिलेगा। मौन प्रकृति का शाश्वत नियम है। चांद सूरज तारे सब बिना कुछ कहे सुने चल रहे हैं। संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मौन के साथ ही पूर्ण होता है। इसी तरह मनुष्य भी जीवन में कोई महान कार्य करना चाहे तो उसे एक लंबे समय तक मौन का अवलंबन लेना पड़ेगा, क्योंकि मौन से ही शक्ति का संग्रह और उद्रेक होता है। इस संसार की संरचना कल्प वृक्ष के समान नहीं है कि जो कुछ हम चाहे वह तुरंत मिल जाया करे। यह कर्मभूमि है, यहाँ हर किसी को अपना रास्ता अब बनाना पड़ता है। अपनी योग्यता और विशेषता का प्रमाण प्रस्तुत के लिए बिना कोई किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं पहुंच सकता। जहाँ हर किसी को परीक्षा की अग्नि में तपाया जाता है और जो उस कसौटी पर खड़ा उतरता है इसी को प्रमाणित एवं विश्वस्त माना जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों के कहो। उसके किसी को कष्ट होता है या नहीं इस कोई ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रसिद्ध मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती तो ले आने दो। वे जितना शीघ्र वह आए उतना अच्छा ही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है।